हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ मिथिला पेंटिंग्स के वॉल्स जो स्टेशंस पे लगने वाले हैं, और वो वॉल्स कैसे मैजिकल होने वाले हैं, वो मैजिकल कैसे, वो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा आप लोग को। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और डाउनलोड करने के लिए और गेम में इसको चलाने के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, तो गेम में आप लोग को ये कैसे आप लोग को यूज़ करना है वो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होने वाला है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर एंड तक देखना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर ही लो यार। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर आप लोग को लिंक से डाउनलोड कर लेना है। आप लोग को तो आता ही होगा डाउनलोड करने, उतना तो आप लोग को पता ही होगा डाउनलोड कैसे करते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपने एक प्ले स्टोर से जेड अचीवर को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जेड अचीवर में आप लोग को ले चलता हूँ, फिर वहां पर से आप लोग को आगे का प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो तो मैंने अपना जेड अचीवर ओपन कर लिया, आप लोग को भी ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग का डाउनलोड से फाइल में चले जाएगा। तो मैंने डाउनलोड फाइल से हटा करके वहाँ पर दूसरे जगह रख दिया, क्योंकि वहाँ पर ढूंढना पड़ता, आप लोग को दिखाता ढूंढ ढूंढ कर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग को जहाँ वहाँ पर जो डाउनलोड में चले जाना है, फिर वहाँ जाने के बाद ये मिथिला पेंटिंग फोर ट्रांजिट दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है, और फिर एंड्रॉयड डेटा कॉम डॉट एन थ्री वी फाइल्स यूजर डेटा ओरिजिनल में आकर के आपको एक हैश क्रिएट करना है, वहाँ पर आप लोगों को पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड डाल देना है। आप लोगों को पासवर्ड अपने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो वो डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग को बैक करके यहाँ पर से sh.dx फाइल को डिलीट करना है, रिसेंट ऐप से गेम को हटाना है, फिर गेम में आप लोग को चले जाना है। फिर आगे जा करके गेम में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, गेम में आ जाने के बाद आपको रूट में चले जाना है। मैं एक न्यू रूट क्रिएट कर लेता हूँ, आप लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसी रूट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक पहले प्लेटफॉर्म ऐड करना है। आप में तो ऐड होगा, लेकिन मेरे में ऐड नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो मैंने प्लेटफॉर्म ऐड किया, मुझे प्लेटफॉर्म के इस साइड में वो मिथिला पेंटिंग्स को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए घर वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आयर आप लोग सेलेक्ट करो, डायरेक्ट पहुँच जाओगे। आयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मिथिला पेंटिंग भाई राज दिख जाएगा, और दूसरा वाला भी दिख जाएगा। तो ये दोनों को आपको यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले इसको अच्छे से स्टेशन की शेप में लेकर आना है। लेकर आने के बाद स्टेशन के यहाँ पर बाजू में ला करके आपको इसे खड़े कर देना है, ठीक है। एक को और दूसरे को मैं खड़ा कर देता हूँ, आप लोग ये भी देख सकते हो, बॉल की तरह ये दिखने वाला है अभी। और ये कैसे दिखेगा वो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते रहो, ठीक है। और सीखने के बाद यहाँ पर यहाँ नीचे कर देना इसको, और नीचे आप लोगों को करना आता ही होगा अगर रूट क्रिएटर हो तो। नहीं आता तो ये घर वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक करके नीचे कर देना। नीचे कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग एक मैजिक देखो अभी, जैसा कि आप लोग को ये दिख रहा है। और आप लोग अगर रूट को अपने नाइट मोड में बनाते हो तो यहाँ पर देखो, अभी देखो मैजिक क्या होने वाला है यहाँ पर। अभी ये देखो, अभी चेंज होने वाला है ये चीज़। ये देखो फन चेंज हो गया, जो सेकंड वाला भी अभी चेंज होगा, ये देख सकते हो चेंज हो चुका है। मतलब ये मैजिकल पेंटिंग है गाइस। और आप लोग अगर रात में करोगे तो कुछ इस तरह का, इधर देखो, इधर साइड में ये है और इधर के साइड में ये। आप लोग अगर जो जिस तरह का रखना चाहो उस तरह का रख सकते हो। और आप लोग को डे मोड में करोगे तो देखो, डे मोड में करोगे तो चीज़ चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये चेंज हुआ, और ये दूसरा वाला भी आपको चेंज होता हुआ दिख जाएगा। ये देखो, दूसरा वाला भी चेंज हो चुका है। तो ये डे और नाइट मोड में चेंजिंग होने वाला है। मतलब आप लोग को टोटल 8 फ्रेम देखने को मिल जाता है, और 8 फ्रेम आप लोग को जैसे मन जैसे आप लोग चाहो सेट कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे या और कहीं पे ऐसे वॉल की तरह। और ऐसे थोड़ा सा स्टेशन के अंदर कर देना, तो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, पब्लिक को किसी को पता नहीं चलने वाला कि ये बोर्ड है या वॉल है। तो ये वॉल की तरह दिख रहा है, और आप लोग चाहो तो जितना भी लंबा ऐसे करके बना सकते हो एक वॉल। और वॉल पे मिथिला पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप लोग डाउनलोड करो और बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये पेंटिंग। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सारे स्टेप अगर आप अच्छे से आप लोग फॉलो किए हो तो आप लोग को सक्सेसफुली होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।